हेलो दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल रूबरू बिहार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो मिले आपको सबसे पहले। बिहार की बेटियां भी किसी से कम नहीं हैं। बिहार की बेटियां भी अपने हुनर की बदौलत देश भर में बिहार का नाम रोशन कर रही हैं। रूबरू बिहार के इस श्रेणी में हम आज बात करेंगे अपनी गायिका से तेजी से लोकप्रियता बटोर रही मैथिली ठाकुर की, जिन्होंने काफी कम उम्र में अपने प्रतिभा के बदौलत देश भर में नाम कमा रही हैं। मैथिली ठाकुर का जन्म बिहार के मिथिला क्षेत्र मधुबनी में 25 जुलाई 2000 को हुआ था। मैथिली के पिता रमेश ठाकुर एवं दादा ठाकुर भी संगीत के जानकार हैं। अपने दादा और पिता के सानिध्य में संगीत की शिक्षा ग्रहण करने वाली मैथिली को यह हुनर अनुवंशिक प्राप्त है। मैथिली ठाकुर को बचपन से संगीत से लगाव था। मैथिली ठाकुर ने अपने पिता रमेश ठाकुर के साथ महज 10 वर्ष की उम्र में कई मंचों पर अपना हुनर दिखा चुकी हैं। मैथिली ठाकुर अभी अपने परिवार के साथ दिल्ली के द्वारिका में रहती हैं। द्वारिका के बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल में अपनी प्रारंभिक पढ़ाई करने वाली मैथिली की आवाज देश भर के हर कोने को अपना दीवाना बना रही है। मैथिली ने अब तक पूरे भारत भर में 500 से अधिक शो किया है और अपने हुनर के बदौलत देश भर में काफी लोकप्रिय हो चुकी हैं। मैथिली ठाकुर ने काफी कम उम्र में वो मुकाम हासिल किया है जहां तक पहुंचना आसान नहीं होता। मैथिली ठाकुर कलर्स टीवी पर प्रसारित होने वाली सिंगिंग शो राइजिंग स्टार 2017 के रनर अप के अलावा लिटिल चैंप्स 2011 में शीर्ष 30 प्रतियोगियों में शामिल रही। इसके अलावा इंडियन आइडल जूनियर में शीर्ष 20 प्रतियोगियों में वो अपना स्थान बनाने में कामयाब रही। आई जीनियस यंग सिंगिंग स्टार सीजन 2 में विजेता बनी। क्लासिकल म्यूजिक कैटेगरी इन दिल्ली स्टेट लेवल कंपटीशन में मैथिली 5 बार विजेता रही। सेमी क्लासिकल कैटेगरी इन दिल्ली स्टेट लेवल कंपटीशन में भी मैथिली 1 बार विजेता रह चुकी है। नेशनल यूथ फेस्टिवल 2017 में मैथिली तीसरा स्थान बनाने में कामयाब रही। मैथिली ठाकुर लगातार अपने गायन प्रतिभा के बदौलत आगे बढ़ रही हैं। मैथिली के कई एल्बम भी आ चुके हैं, जिसमें से 2016 में आई या रब्बा ने खूब प्रशंसा बटोरी। हमें गर्व है ऐसे लोग पर जिन्होंने अपने राज्य का नाम रोशन किया है। मैथिली ठाकुर अब जिन्होंने अपने हुनर से बिहार का नाम रोशन किया है, हमें उम्मीद है कि वो मैथिली के अलावा बिहार और भारत का नाम भी रोशन करेंगी। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर शेयर करें और हमारे YouTube चैनल रूबरू बिहार को सब्सक्राइब करें और बिहार के निष्पक्ष एवं ताज़ा खबरों के लिए हमारे वेबसाइट बिहारी.news को विजिट करें। शुक्रिया।